दिल्ली महानगर में गोपाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। उफ, कितनी गर्मी है, मैं तो रोटी बना बना के पागल हो गई हूँ। क्या हुआ सुमन, मैं कुछ मदद करूँ? नहीं, तुम तो रहने ही दो। ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ तो बोलो। अरे क्या बोलूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, पूरी दुनिया गर्मियों में घूमने कहीं ना कहीं जाती है, एक मैं ही हूँ जो भाड़ में चने की तरह भून रही हूँ। पर हिल स्टेशन पर जाने के लिए बजट भी तो लंबा चाहिए ना। अपने मामा की बेटी सुधा दीदी के यहाँ शांतिनगर चले तो? हाँ ये ठीक रहेगा, बच्चे भी रिफ्रेश हो जाएंगे और तुम्हें भी कुछ दिनों के लिए किचन से छुट्टी मिल जाएगी। तो कल ही निकलते हैं हम। अगले दिन। प्रणाम दीदी। प्रणाम जीजाजी। अरे गोपाल तुम कैसे आना हुआ? अरे आप भी कैसी बातें करती हैं दीदी, भला अपने घर आने के लिए कोई वजह होती है क्या? हाँ दीदी, आप लोगों की याद आई और हम चले आए। बच्चों, बुआ फूफा जी के पैर छुओ। खुश रहो, जीते रहो। पता है दीदी, पहले हम लोग कहीं हिल स्टेशन पर जाने वाले थे, पर इन्होंने कहा आपके पास चलते हैं। हाँ दीदी, गांव के स्वच्छ वातावरण और मेरी दीदी के हाथ के खाने का कोई जवाब ही नहीं है। चलो अच्छा किया, बच्चों का भी मन बदल जाएगा। 3 दिन बाद। सुनिए, अब बहुत देर से क्रिकेट देख रहे हैं, रिमोट मुझे दीजिए ना, सीरियल देखना है। लो भाई। दीदी एक कप चाय हो जाए बढ़िया, कड़क मलाई मार्त के। मम्मी मुझे चॉकलेट शेक पीना है। बेटा बुआ से ले लो, मैं नागिन देख रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बुआ बुआ मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। चॉकलेट तो नहीं बेटा, ये लो मैंगो शेक पी लो। नहीं नहीं मुझे चॉकलेट शेक ही चाहिए। बिल्लू कांच का गिलास गिरा देता है। अरे ये क्या किया बिल्लू, पूरा शेक भी फैला दिया और कांच का गिलास भी तोड़ दिया और उसने रोना शुरू कर दिया। मम्मी बुआ ने डांटा। अरे बेटा डांटा नहीं, बस कल बनाने के लिए बोला है। और इस तरह सुधा ने उनकी खूब खातिरदारी की। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। अरे वाह, आज हमें यहाँ आए 8 दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चला। हाँ सच कहा आपने, बच्चे भी बहुत खुश हैं। सुधा दीदी खाना कितना अच्छा बनाती है, तुम भी कुछ सीख लेना। लेकिन अब सुधा और चंदर परेशान होने लगे थे। अगले ही दिन। सुधा ये तुम्हारा भाई कब तक रुकने वाला है? पता नहीं जी, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ। ये लोग तो जाने की चर्चा भी नहीं करते। हाँ जी, और बच्चे पूरे दिन उठा पटक करते हैं, कल ही कांच के 2 गिलास तोड़ दिए। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज सोमवार है, मैं मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर में सुधा को उसकी सहेली मिली और उसे कुछ सलाह भी दी। जब सुधा मंदिर से लौटी तो लंगड़ाती हुई आई। अरे क्या हुआ दीदी, आपके पैर में चोट कैसे लग गई? लगता है शायद आपको मोच आ गई है। हाँ भाभी, मोच ही आ गई है। चलो ये तो बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ हो, मैं तो चल फिर भी नहीं पाऊंगी। दोनों बात कर ही रही थी कि गोपाल वहाँ आ गया। आज तो दीदी के हाथ के आलू पराठे और हरी चटनी खाने का बहुत मन है, वो भी सिल बट्टे वाली है। पर आज तो दीदी चल भी नहीं सकती, उनके पैर में चोट लगी है। अरे तो क्या हुआ भाभी, आप हो ना, आज हम सब तुम्हारे हाथ के बने आलू पराठे खाएंगे। पर दीदी। पर कुछ नहीं, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आलू पराठे कैसे बनाते हैं। ठीक है दीदी।
आप ऐसा करो कि सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लो। हैं? हाँ दीदी। फिर कुकर में आलू उबलने के लिए रख दो, और आज घर के बाहर गोबर से लीपना भी है। क्या? हाँ भाभी, पौधों को पानी भी दे देना कुएं से खींचकर। तो ठीक है। गोपाल, आज तुम मेरे साथ खेत पर चलो। हाँ चीजा जी, यहाँ घर में बोर हो जाता हूँ, वहाँ मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। खेत पर जाकर चंदन ने गोपाल से कहा, देखो गोपाल, आज हमें यहाँ गड्ढा भरना है, तुम उस खेत से मिट्टी खोद खोद कर मुझे दो, मैं इसको भरता हूँ। सुबह से काम करते करते दोपहर हो गई, गोपाल बुरी तरह थक गया, घर आकर हाथ पैर धोने लगा। तभी, हाय रे मेरे कमर, अब जल्दी अपने घर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ हाँ, रात को ही निकलते हैं, मेरा भी आज अंग अंग दुख रहा है। ऐसा दो चार दिन और चला तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं भी, तुम जाकर सामान समेटो, मैं दीदी से बात करता हूँ, हम आज ही निकलेंगे। दोपहर का खाने का समय था। दीदी, अब आज हमें निकलना होगा। अरे अरे, अभी कैसे जा सकती हूँ, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। दीदी वो क्या है कि मुझे अभी याद आया, बच्चे का हॉलीडे होमवर्क भी तो मैंने करवाया ही नहीं ना। अरे पर अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, तुम रहोगी तो कुछ मदद हो जाएगी। दीदी मन तो मेरा भी बहुत है, पर क्या करूं, जाना जरूरी है। सुधा, बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले है। ठीक है, पर जल्दी ही आना। हाँ, दोनों ने जल्दी से बैग लिए और 9:00-2:11 हो गए। इस तरह सुधा चंद्र का पीछा इन दोनों से छूट गया।